दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफी सारे न्यूज अपडेट के बारे में, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। एंड गाइस बिटकॉइन से जुड़े एंड मार्केट से जुड़े प्लस लूना से जुड़े काफी सारे अपडेट है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लूना की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो कि इथेरियम के फाउंडर है विटालिक बटेरिन, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि टेरा शुड प्रोटेक्ट द स्मॉल होल्डर्स नॉट द व्हेल्स। यहाँ पर टेरा को अपने जो स्मॉल होल्डर्स है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि बड़ी व्हेल्स को। विटालिक बटेरिन ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जो भी यहाँ पर टेरा के अंदर यूएसटी को होल्ड किया था, काफ़ी सारे उसमें बिग व्हेल्स थे एंड बहुत छोटे व्हेल्स भी थे, मतलब छोटे इन्वेस्टर्स भी थे, तो उनको अलग अलग करके यहाँ पर छाटा जाना चाहिए। एंड जो छोटे होल्डर्स थे, जो भी यहाँ पर छोटे इन्वेस्टर्स थे, उनको यहाँ पर पैसा वापस देना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो द पे आउट एस्टिमेटेड टू कॉस्ट बिटवीन $1 बिलियन टू $1.5 बिलियन। अब गई इन्होंने कहा है कि उनको बिल्कुल अलग अलग किया जाए, ना कि बड़ी व्हेल्स को उसके अंदर डाला जाए। जो भी उसमें स्मॉल होल्डर्स थे उनको यहाँ पर $1 बिलियन टू $1.5 बिलियन, उनको यहाँ पर जितना भी उनका पैसा था उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से कुछ तो दिया जाना चाहिए। तो उसके अलावा भी यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे चीज़ें कही है, तो यहाँ पर सेव करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें जो सेकेंड कॉइन आ रहा है हमारा USDT आ चुका है। ट्रॉन डाउ रिजर्व्स एक्वायर्स मिलियन इन TRX बिटकॉइन एंड थिएटर टू सेफगार्ड। अब गाइस यहाँ पर ट्रॉन ने यहाँ पर काफ़ी सारा TRX खरीदा है, काफ़ी सारा बिटकॉइन खरीदा है एंड थिएटर को भी यहाँ पर बाय किया है, ताकि कल दिन को कोई USDT के साथ वो चीज़ ना कर सके जैसा कि आज USDT के साथ हुआ है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर काफ़ी फंड इकट्ठा कर लिया है और उसके लिए यहाँ पर इन्होंने काफ़ी एल्गोरिथम भी बना लिए हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो वेटरन इन्वेस्टर बिल माइलर है, उन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन को अभी भी बुलिश लेकर है एंड गाइस बिटकॉइन को काफ़ी बुलिश है, और उसके अलावा उनके पास काफ़ी सारे BTC भी पड़े हैं, उन्होंने एक न्यूज़ के अंदर यहाँ पर कहा है। एंड उसके अलावा ऑन चैन एनालाइज रिपोर्ट से टेरा बिटकॉइन रिजर्व वर्थ सैंड टू बाइनेंस एंड जेमिनी। ऑन चैन के एनालाइज ने एक रिपोर्ट के अंदर कहा है कि जो बिटकॉइन रिजर्व में यहाँ पर टेरा के पास उन्होंने सेंड कर दिए थे बाइनेंस को और जेमिनी को। अब गाइस वो कहाँ पर है वो अभी तक किसी को नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर $3 बिलियन के जो बिटकॉइन थे वो यहाँ पर सेंड कर दिए गए थे। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं टेरा के पास जो भी USDT मतलब जो भी बिटकॉइन था वो यहाँ पर उसका वॉलेट बिल्कुल खाली है, तो कहाँ गए बिटकॉइन ये अभी तक भी पता नहीं चल पा रहा है। और गाइस उसके अलावा यहाँ पर हम देखिए एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पर एल सेल्वाडोर नाइब बुकेले की तरफ से आई है, जो कि यहाँ पर उन्होंने कल को आप लोग देख सकते हो प्रेसिडेंट नाइब बुकेले अनाउंस 44 कंट्रीज विल मीट इन एल सेल्वाडोर टुमारो टू डिस्कस। कल को यहाँ पर नाइब बुकेले अनाउंस किया कि 44 कंट्री के साथ यहाँ पर मीटिंग है कल को एल सेल्वाडोर के अंदर, जो कि बिटकॉइन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब गाइस ये बहुत बड़ी न्यूज है, मतलब 44 कंट्रीज प्लस यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर 23 सेंट्रल बैंक्स एंड 12 फाइनेंशियल अथॉरिटीज आर मीटिंग इन कंट्री टू डिस्कस बिटकॉइन। बिटकॉइन के ऊपर यहाँ पर नाइब बुकेले अगर हम देखें तो काफ़ी बुलिश है एंड यहाँ पर बुलिश ही नहीं बल्कि एक लीगल टेंडर भी यहाँ पर इन्होंने बिटकॉइन को बना दिया है, तो ये यहाँ पर कंट्री कहीं ना कहीं ग्रोथ के अंदर नजर आ रही है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक भी किसी भी क्रिप्टो को बाय करने हैं तो आप लोग get.io पे जा सकते हो, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाके वहाँ से आप लोग साइन अप कर सकते हो। और गाइस आप लोग अगर वहां पर ट्रेडिंग लिंक से जाते हो तो आप लोगों को 10% ट्रेडिंग फी डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस उसके अलावा 100 USDT का क्रिप्टो वाउचर भी फ्री में मिल जाएगा। एंड गाइस अगर हम करंट टाइम पे लूना का प्राइस देखें तो आप लोगों को बहुत ज्यादा यहां पर डाउन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो 2.47% इंक्रीज हुआ है, 100 ट्रिलियन रुपीज का मार्केट कैप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो आज हमें बिटकॉइन देखने को मिल रहा है $30,347 पे अभी बिटकॉइन चल रहा है। मॉर्निंग में हमने देखा था कि $31,400 पर बिटकॉइन गया था, बट अगेन यहाँ पर डंप हुआ है एंड फिर से बिटकॉइन उसी रेंज के अंदर आ चुका है 30,000 से, और 28,000 की रेंज में ही अभी बिटकॉइन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं आगे, बाकी अभी भी बिटकॉइन यहाँ पर कोई बुलिश सिग्नल नहीं दे रहा है। एंड ये कुछ अपडेट थी बिटकॉइन के रिगार्डिंग एंड मार्केट के रिगार्डिंग। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नहीं अपडेट के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।